ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने केंद्र सरकार और यूपी की योगी सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए तैयार किए जा रहे कानूनी मसूदे का पुरजोर समर्थन किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि साधु संत पहले से ही ये मांग करते आए हैं कि देश में लगातार बढ़ रही जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। नरेंद्र गिरी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए अगर हिंदू दो बच्चे पैदा करते हैं तो मुसलमान भी दो ही बच्चे पैदा करे। महंत गिरी ने आगे कहा है कि अगर जनसंख्या वृद्धि को कानून लाकर रोका नहीं गया तो आने वाले दिनों में बड़ी जनसंख्या विस्फोटक हो सकता है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने आगे कहा कि देश में मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी हिंदुओं का देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। महंत नरेंद्र गिरी ने मुसलमानों से भी अपील की है कि वे भी देश में आस्था और वफादारी रखते हुए दो बच्चे ही पैदा करें। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द संसद में पास कराकर पूरे देश में लागू करना चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि जनसंख्या को लेकर एक समान कानून सभी धर्मों के मानने वालों पर लागू होना चाहिए। अगर हिंदुओं को दो बच्चे पैदा करने का अधिकार मिले तो मुसलमानों और ईसाइयों को भी दो ही बच्चे पैदा करने का अधिकार मिलना चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी ने आगे कहा कि दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले व्यक्ति को भारत में वोट देने का अधिकार खत्म कर देना चाहिए। ऐसे लोगों का वोटर कार्ड और आधार भी नहीं बनना चाहिए। महंत गिरी ने कहा कि इसके साथ ही साथ ऐसे लोगों को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से भी वंचित किया जाना चाहिए। महंत गिरी ने आगे कहा कि मुसलमानों की मंशा ऐसी है कि अगर उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो वे देश से हिंदुओं को भगा देंगे, लेकिन अखाड़े ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। महंत गिरी ने आगे कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ला सकती है, क्योंकि दूसरे दल इस मुद्दे पर राजनीति और चापलूसी करते हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।